नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बलौदाबाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की खबर से शुरुआत करेंगे। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के बाद हंगामा करना शुरू कर दिया। पार्टी के प्रत्याशी टंकराम वर्मा, बीजेपी जिलाध्यक्ष सनम जांगड़े कार्यकर्ताओं के साथ तहसील कार्यालय धरना देने पर बैठ गए और बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस के दबाव में पुलिस ने प्रचार कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिहा किए जाने की मांग की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने दिन दहाड़े साड़ी बांट रहे हैं, ब्लाउज बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रचार में गए हैं, उस कार्यकर्ता को जबरदस्ती पुलिस वाले उठाकर थाना में ले आया और 151 में उनका कार्रवाई किए। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिना कारण हमारे कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 151 लगाया गया है, ये अन्याय है, ये अन्याय है। और पुलिस वाले दादागिरी करके उसको उठा के ले आए हैं। हम लोग जब तक हमारे कार्यकर्ता को नहीं छोड़ेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन में यहाँ SDM के कार्यालय के सामने बैठे रहेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना किसी वजह के ला के यहाँ बिठा दिए हैं, उसके बाद धारा 151 लगा दिए हैं। और कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारी माताओं को, बहनों को उनका हक मिले। भारतीय जनता पार्टी माताओं को, बहनों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। और योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। योगेश, यूं तो चुनावी माहौल है ही और इस चुनावी माहौल में आग में घी डालने का काम किया इस गिरफ्तारी ने, बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दी कि 17 नवंबर को दूसरे चरण को मतदान है, मतदान होने में बल्कि 5 दिन बाकी है और इस समय 2 भाजपा कार्यकर्ताओं को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला ये था कि बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम लटुआ के नायकटाण मोहल्ले में देर शाम आज बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मोहल्ले में जाकर वंदना फार्म भरवा रहे थे। इसी बीच बलौदाबाजार सिटी कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने ले आई, जिससे बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, तहसील कार्यालय पहुंच गए और कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो भाजपा से इस बार बलौदाबाजार जिले में चुनाव लड़ रहे हैं, टंकराम वर्मा, वो भी मौजूद थे और इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष सनम जांगड़े भी मौजूद थे। और उनका कहना है जिलाध्यक्ष की कांग्रेस हार के डर के कारण बौखला गई है, जिसके कारण प्रशासन का दुरुपयोग करी, ये जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया है। लिहाजा अभी मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है क्योंकि चुनाव आयोग की टीम भी जिले में मौजूद है और इस पूरे मामले पर अभी जानकारी इतनी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए योगेश। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के चुनावी दौरे के बीच सीएम भूपेश बघेल ने सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश की और मुख्यमंत्री के प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां जारी हैं। गरियाबंद पहुंचे भूपेश बघेल ने राज्य में कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला और बिंद्रा नवागढ़ प्रत्याशी धनक ध्रुव के पक्ष में सभा की और सभा में ग्रामीणों को अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं महादेव सट्टा ऐप को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी के महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरवाए जाने पर चुटकी ली। कहा, हमने तो किसी भी योजना को लागू करने के लिए फॉर्म नहीं भरवाया। बिंद्रा नवागढ़ और उसके बाद अभी राजीव में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभी जगह उत्साह है, एक तो त्योहार है और फसल कटाई चल रहा है, उसके बाद भी हजारों लोग हर सभा में आ रहे हैं। ये बता रहा है कि कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल कर रही है। क्या प्रभाव डालेंगे चुनाव में ये बीजेपी, क्या मानते हैं आप? ये तो बीजेपी का प्रायोजित सब कार्यक्रम है। और रायपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 15 साल के राज में व्यापारी परेशान थे और रोज आंदोलन होते थे, किसान और आदिवासी भी परेशान थे। प्रदीप जैन ने कहा कि बीजेपी को भूपेश बघेल का चरण वंदन करना चाहिए, बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। व्यापारियों के लिए एक अभिनव महत्वपूर्ण प्रयोग है, नए रायपुर के अंदर जो थोक बाजार है और इतने कम दरों पर, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है। आज जिस तरह से यहाँ का हर व्यापारी खुशहाल है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के
कुशासन में रावण राज्य के अंदर व्यापारी हमेशा सड़कों पर निकलते थे, अपने इंस्पेक्टर राज से परेशान रहते थे। और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने बीजेपी के छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों के कार्यकाल पर निशाना साधा, जिसके जवाब में मौजूदा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से प्रदेश का विकास थम गया है। कांग्रेस कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कई योजनाओं को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने लागू ही नहीं होने दिया। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं क्या होगा। 30% भ्रष्टाचार तो इस सीमा तक बढ़ गया है, 30% तो सीधे सीधे ऊपर ही आता है। इसलिए मैं आज आप लोगों से अपील करने आया हूं कि भूखी भ्रष्ट सरकार, ऐसी भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है, और एक महादेव आए, महादेव जी आ गए, लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए मेरे बहनों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के चुनावी महासंग्राम में हुंकार भरने वाले हैं। पीएम मोदी 13 नवंबर को मुंगेली के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां जमकुई गांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर मुंगेली पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी के दौरे की तैयारी में जुटे अधिकारियों से बातचीत की। वहीं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की। ओम माथुर के साथ पूर्व मंत्री मौजूद रहे और बीजेपी महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी भी वहां मौजूद। मैं जब भी कार्यक्रम होता है तो कोई ना कोई हमारे पार्टी का सीनियर व्यक्ति सारी व्यवस्थाएं देखने के नाते पहुंचता है, प्रशासन से भी बातचीत होती है और इसी नाते मैं यहाँ आया हूँ। पहले चरण के जो मतदान हुए उसमें कितने दावे कर रहे हैं, कितने? मैं तो कहूँ ऐतिहासिक जीत होने वाली, दावे आप लोग सोचिए थोड़े दिन तक, रिजल्ट आने के दिन तक। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे जमकोही के मैदान पर आम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज उन सारी व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण करने के लिए हमारे प्रदेश के प्रभारी वरिष्ठ नेता केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय ओम माथुर जी उपस्थित होकर सारी स्थितियों का। और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी, जिससे पहले बीजेपी को रायगढ़ में अधिवक्ताओं और पत्रकारों के साथ मिला। दरअसल 100 से अधिक अधिवक्ताओं और 6 पत्रकारों ने बीजेपी ज्वाइन की। ओपी चौधरी ने भगवा गमछा पहनाकर उन्हें सदस्यता दिलाई और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका काफी फायदा हो सकता है। अधिवक्ताओं ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा और ओपी चौधरी की कार्यशैली से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की। मैं बार बार बोलता हूं कि दुनिया खराब लोगों के, बैड पीपल के वायलेंस से कम, गुड पीपल के साइलेंस से ज़्यादा सफ़र करती है। आज रायगढ़ के 50 से अधिक बुद्धिजीवी वकील लोग भारतीय जनता पार्टी का और हमारा साथ देने के लिए खुल करके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में खुला प्रवेश किए हैं। इस शहर के राजनीतिक फिजा में अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना, एक ऐतिहासिक मोड़ है। इन सभी बुद्धिजीवी साथियों का जो रायगढ़ की बेहतरी के लिए एक कमिटमेंट दिखाते हुए एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते हुए रायगढ़ की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मेरी ओर से कभी भी जीवन का कड़कड़ और जीवन का पल पल समर्पित रहेगा। देखिए, मैंने अपने जिस समय का मुझे उद्बोधन के लिए बुलाया गया था, मैंने बताया कि भाजपा सरकार की नीतियाँ और सुरक्षित करने, संस्कृति को सुरक्षित करने की जो उनकी मुहिम है, इसका मैं घायल हूँ। और जैसे ही भाजपा ने रायगढ़ से श्री ओपी चौधरी जी का नाम चयनित किया, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ और यही कारण था कि मैंने अपने सिद्धांत को बदल दिया और मैंने राजनीति में प्रवेश कर लिया है। और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस की टीम ने एक बार फिर विस्फोटक के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की और ट्रक समेत लगभग 33 लाख रुपए के विस्फोटक पदार्थ को जब्त किया। ये विस्फोटक पदार्थ मध्य प्रदेश के रीवा से जांजगीर चांपा ले जाया जा रहा था और जगह जगह बैरियर्स लगे होने की वजह से पुलिस की चेकिंग के दौरान इसे जब्त कर लिया गया।
पुलिस ने इस पूरे मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। ट्रक में एक्सप्लोसिव 120 बॉक्स टाइगर पावर 90 और एक्सप्लोसिव 40 बॉक्स डीएफ इंडो कोड मिला और इन कुल विस्फोटकों की कीमत लगभग 33 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी सुरेश चंद और राजकुमार सेन राजस्थान के रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार नाकेबंदी कार्रवाई की जाकर धरपड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में नाकेबंदी की कार्रवाई के दौरान में बलंगी का जो बॉर्डर है तुआ उस जगह नाके पर एक कार्रवाई की गई, जिसके तहत में एक एक्सप्लोजिव वैन जिस पर विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ था, जिसमें रोक करके उससे पूछताछ की गई। उस एक्सप्लोजिव वैन में जिसका ट्रक वाहन क्रमांक है RJ6GD2810 और इसके अंदर में जो कार्डेक्स वायर रखे हुए थे जिसमें टाइगर एंड एक्सप्लोजिव 120 बॉक्स था, कीमत उसका वजन लगभग 3000 किलोग्राम, टाइगर पावर एंड एक्सप्लोजिव इसका 40 बॉक्स था 1000 किलोग्राम, इसमें डी इंडो कार्ड ये 8 बॉक्स थे इस प्रकार से 240 किलोग्राम, इन कुल से लगभग 4241 किलोग्राम एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोजिव वैन के साथ में जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन जगदलपुर जिले के कई धान खरीदी केंद्रों पर अभी तक बोहनी भी नहीं हुई है। खरीदी केंद्र सूना पड़ा है। शहर से लगे माड़पाल धान खरीदी केंद्र पर सिर्फ चौकीदार ही नजर आ रहा है, जबकि धान खरीदी केंद्र के सभी कर्मचारी मौके से नदारद हैं। किसान अभी तक धान लेकर खरीदी केंद्र भी नहीं पहुंचे हैं। खटाई नाव इलाज है, आजकल खटाई वो इलाज है, तो खटाई के बाद वो घर ले जाने से वो मिंडानी से मिंडा मिंडी करने से वो पटाएंगे। कब शुरू हुआ खरीदी केंद्र? तो 1 तारीख से तो लगेगा ना, जो 20 तारीख बाद 20 तारीख बाद होगा। अच्छा, कभी खरीदी केंद्र नहीं जा रहे? हाँ, पूरे किसान लोग को वही ऐसी है। हाँ, सभी कटाई कर रहे हैं। कटाई है ना पूरा, लेकिन ऐसे कुछ सेंटर है जहां पर धान खरीदी के लिए किसान पहुंच नहीं रहे। जगदलपुर मुख्यालय से लगे माड़पाल का इलाका है, ये सेंटर है, देख सकते हैं जो धान खरीदी तौल के लिए कांटा लगाया गया है वो वैसी का वैसी रखा गया है। और यहां जो चौकीदार है उनका कहना है कि हम धान खरीदी जो किसान है वो पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल चौकीदार के तौर से ये केवल सुरक्षा के तौर पर रखा गया, लेकिन पूरी तरह यहाँ वीरानी छाई हुई है। अब इंतजार है किसानों का कि वो किसान पहुंचे और यहाँ पर धान खरीदी केंद्र की जो शुरुआत होनी है वो हो जाए। बताया जा रहा है कि जो बस्तर के इलाके में 15 नवंबर के आसपास धान खरीदी की शुरुआत होती है। यहाँ पर जो पंजीकृत किसान हैं उनकी संख्या भी इस बार बड़ी है, ऐसे में इंतजार है धान खरीदी केंद्रों में किसानों के पहुँचने का। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18। और खैरागढ़ छुईखदान गंडई इलाके में गांव बुंदेली के धान खरीदी केंद्र में किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों ने बताया कि जब से धान खरीदी शुरू हुई है तब से बुंदेली में ही धान खरीदी की जा रही थी, फिर अचानक सीता डबरी में खरीदी क्यों शुरू हो गई? मामले पर सहकारी केंद्रीय बैंक ने कहा कि बुंदेली में धान रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए उच्च अधिकारियों से लिखित निर्देश मिलने के बाद ही धान खरीदी केंद्र को स्थानांतरित किया गया है। यहाँ जब से धान खरीदी चालू हो है ये सोसाइटी में धान खरीदी होत रही से, निश्चित रूप से रकबा बढ़े है तेखर से थी और धान के क्विंटल भी बढ़ गए। तो ये जगह हा 6-7 गांव के हिसाब से छोटे है, लेकिन 1 तारीख के समझौता हो रही से 3 गांव खरीदी, नवा गांव सूरा डबरी और बुंदेली। मामला DR मैडम के आदेश करे है यहाँ सीता डबरी मैदान में खरीदी के लिए, उसका आदेश के पालन कर रहे हैं। ठीक है, क्या आदेश है? यही धान खरीदी करना है करके। सूरजपुर में जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। दरअसल रामनुजनगर थाना क्षेत्र के सालही गांव में मृतका बिलासों का अपनी बेटी के साथ खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया था। इस बीच आरोपी बेटा बलिराम दोनों पर भड़क गया और विवाद करने लगा, जिसके बाद कुल्हाड़ी से अपनी मां पर वार कर दिया। जैसे ही उसने वार किया मौके पर ही उसकी मां की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई में जुट गई है। और उसकी बेटी घर के बाहर किसी बात पे वाद विवाद हो रहे थे। घर के अंदर उसका पुत्र जब उन्हें चुप कराने गया
तो बात बढ़ गई और पुत्र के द्वारा पत्नी अपनी माता का हत्या कर दिया गया था, जो कि तत्काल पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में शिखा ने 14,000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसे दर्ज किया गया। शिखा का ये नौवां विश्व रिकॉर्ड है और इससे पहले भी उनकी बनाई रंगोली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल चुकी है। पितृ पर्वत के सामने बनाई गई इस रंगोली में पितृ पर्वत, कमल का फूल, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय को उकेरा गया है और साथ ही इंदौर में हुए विकास कार्यों को भी बड़े ही सुंदर ढंग से इसमें अलग अलग रंगों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। खरगोन में दीपावली के त्योहार पर लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। उनका जोर इस बार वोकल फॉर लोकल पर है। लोग इस बार वोकल फॉर लोकल के माध्यम से लोकल सामग्री ही ज़्यादा खरीद रहे हैं और लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की अपील पर भी पूरा फोकस किया। हमारे सहयोगी ने बाजार में जाकर जायज़ा भी लिया। दीपावली का जो त्यौहार है उसको लेकर इस बार जो है वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल से ज़्यादा खरीदी की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये दिए जो है लोकल के लोग लगातार पसंद कर रहे हैं, लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। हम ये नगर पालिका के सामने मौजूद हैं, यहाँ पर लोग फुटपाथ पे जो दुकान लगी है इन दुकानों में लोग दिए बहुत पसंद कर रहे हैं और विशेष रूप से जो कुम्हारे के द्वारा दिए तैयार किए गए उनको पसंद कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे, दिए किस प्रकार बिक्री हो रही है? अच्छा बिक्री हो रहा है, 20-12 बिक रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं तो पिछले सालों से क्या बिक्री ज़्यादा है? हाँ अच्छा है पिछले साल। हाँ, और ये मतलब ये चाइना और ये जो लाइटें वगैरह लोग पसंद कर रहे हैं कि ये पसंद कर रहे हैं? ये सादे दिए पसंद कर रहे हैं। सादे दिए पसंद कर रहे हैं, लोग लगातार खरीदी कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद है, क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे, ये जो दिए बने हैं क्या कहना चाहेंगे? जी, लोकल फॉर वोकल जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा देश है जो हमारे देश का त्यौहार है दिवाली, तो हम क्यों ही बाहर से खरीदें, इसलिए हम जहाँ तक हो सकता है इन्हीं लोगों से खरीद रहे हैं और इनकी भी दिवाली रोशन करने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब इस बार लोकल को महत्व दिया जा रहा है? जी 100% लोकल को महत्व दिया जा रहा है। इवन हम इंदौर पहले शॉपिंग करने जाते थे, इस बार हम इंदौर भी नहीं जा रहे हैं। हमारे खरगोन के जो प्रॉपर गाँव के लोग हैं जो अपने मेहनत से अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, हम उसको ही बढ़ावा दे रहे हैं इस बार। मतलब लोकल फॉर वोकल, मतलब स्थानीय लोगों से खरीदी ज़्यादा की जा रही है इस बार। जो विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर जो विदेशी कल्चर था, जो बाहर की लाइटें आती थी, बाहर के दीपक आते, उनको ना खरीदते हुए लोग जो स्थानीय कुम्हारों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा दिए तैयार किए गए उनको खरीदी कर रहे हैं और लोकल फॉर वोकल जो पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है वो कहीं ना कहीं सार्थक नज़र होता आ रहा है। आशुतोष पुरोहित, News18 खरगोन। आज रूप चौदस है और इस मौके पर महिलाएं सज संवर कर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करती हैं। इस मौके पर खरगोन में ब्यूटी पार्लर्स पर महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन महिला अपने रूप को निखार कर माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इस मौके पर यहाँ ब्यूटी पार्लर्स में काफ़ी संख्या में महिलाएँ पहुँची। और रतलाम में छोटी दीपावली के मौके पर लोगों ने अपने घरों के साथ शमशान भूमि में भी दिवाली मनाई। रूप चौदस के मौके पर लोगों ने शमशान भूमि में भी आतिशबाजी की। यहाँ पितरों की याद में दीपक जलाए जाते हैं। रंगोली बनाकर शमशान मुक्ति धाम को सजाया गया। बड़ी संख्या में शहरवासी शमशान घाट पहुंचे थे और बता दें कि हर साल सामाजिक संगठन इस तरह के आयोजन करते हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।